नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी रिक्रूटमेंट के कॉमर्स के पेपर के बारे में, जो कि हुआ था 17 सितंबर 2019 को। ये इसका पार्ट टू है। पार्ट वन में हम 35 क्वेश्चंस को ऑलरेडी पूरी तरह से एनालाइज कर चुके हैं। अभी बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वह टर्म जिसका यूज किया जाता है उन स्टेटमेंट्स के लिए जिनके माध्यम से कंप्यूटर को समझाने के लिए लैंग्वेज में हम राइटिंग करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज लिखी जाती हैं जिनके माध्यम से प्रोग्राम्स को फीड किया जाता है कंप्यूटर में, उन लैंग्वेजेस में जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उन स्टेटमेंट्स के लिए कौन सी टर्म यूज होती है। तो ऑप्शन इसमें दिया ही हुआ है सही, सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं उन स्टेटमेंट्स को जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम्स राइट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ वेयर हाउस इज कंसीडर्ड एज डैश कॉस्ट, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम पेड टू वर्कर्स इज कंसीडर्ड एज ए डैश कॉस्ट। कॉस्ट जो कि यूज हो जाती है किसी वेयर हाउस को सेटअप करने में, वेयर हाउस यानी कि गोडाउन बनाने में। गोडाउन एक बिल्डिंग होती है, उसको बनाने में जो खर्च लगता है उसको कैसी कॉस्ट कहा जाता है, तो नेचुरली वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। जबकि वो कॉस्ट जो यूज हो जाती है वर्कर्स को ओवर टाइम की पेमेंट करने में, अब ओवर टाइम भी वर्कर्स के लिए एक मजदूरी ही होती है, उसको पेमेंट करने में जो पैसा लगता है उसको क्या कहते हैं, वो कैसी कॉस्ट होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट लेवल के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाए। जैसे अगर हम 10 वर्कर यूज करेंगे तो 10 वर्कर्स का जो ओवर टाइम होगा वो कम होगा उनसे, जब हम 100 वर्कर यूज करेंगे, 100 वर्कर यूज करेंगे तो उनका ओवर टाइम ज़्यादा होगा। मतलब जब कम वर्कर लगाएंगे तो कम होगा खर्चा, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा होगा, इसीलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है। जबकि गोडाउन बनाने की जो कॉस्ट है, चाहे हम गोडाउन में 10 बोरे रखें चाहे 100 बोरे रखें, लेकिन एक बार जब बनेगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, वन पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक इन एनालाइजिंग ए फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिटर्स इज रेफर्ड टू एज SWOT, शॉर्ट एनालिसिस उसको कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या है। तो ये काफ़ी बार यूज की जाने वाली टर्म है, शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है किसी फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को एनालाइज करने के लिए। तो इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करती है एस को स्ट्रेंथ के लिए, डब्ल्यू को वीकनेसेस के लिए, और ओ को अपॉर्चुनिटीज के लिए, टी को थ्रेट्स के लिए। इसके माध्यम से एक संस्था अपने आप को ये चेक करती है कि वो कॉम्पिटिशन के लिए कितना तैयार है। वो अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करती है, वीकनेसेस को भी एनालाइज करती है, स्ट्रेंथ को एनालाइज करके उनका उपयोग करती है, वीकनेस का एनालाइज करके उस पर काबू पाने की कोशिश करती है, अपॉर्चुनिटीज़ का एनालाइज करके अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करने की कोशिश की जाती है, और थ्रेट्स जो होते हैं उनसे बचने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस स्टेट्स दैट, अब एविडेंस का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है प्रमाण का, वो क्या कहता है। तो उसका जो ऑप्शन है सही वो है, एडिक्वेट फैक्ट्स मस्ट अंडरलाई ए प्रॉब्लम। मतलब ये है कि कोई भी समस्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी घटना है, उसके लिए एविडेंस होना चाहिए, सबूत होने चाहिए और पर्याप्त सबूत होने चाहिए, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट है, एक कंपनी एक्स, एक एक्स कंपनी है वो सेल कर रही है अपने लैपटॉप्स, हैज़ क्लेम्ड दैट इट विल प्रोवाइड फ्री रिपेयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। वो ये दावा करती है कि वो नेक्स्ट 5 ईयर तक फ्री में रिपेयर प्रोवाइड कराएगी जो लोग उससे लैपटॉप खरीदेंगे उनके लिए। वाइल जबकि अनदर कंपनी वाई, दूसरी कंपनी वाई है, वो भी सेल करती है लैपटॉप्स विद द क्लेम, उसका क्लेम है दैट देयर लैपटॉप्स हैव द हाईएस्ट अवेलेबल बैटरी लाइफ इन द लैपटॉप मार्केट। इनका कहना है, ये जो वाई कंपनी है ये भी लैपटॉप बेचती है और ये क्लेम करती है, ये लोगों को ऑफर देती है कि हमारे लैपटॉप की जो बैटरी है उसकी लाइफ हाईएस्ट है सभी अवेलेबल लैपटॉप की बैटरी से। तो कंपनी एक्स इज फोकसिंग ऑन डैश डिफरेंशिएशन व्हाइल द कंपनी वाई इज फोकसिंग ऑन डैश डिफरेंशिएशन। कंपनी एक्स
सर्विस डिफरेंशिएशन पे जोर दे रही है, क्योंकि वो सर्विस की गारंटी दे रही है कि आने वाले 5 साल तक हम फ्री में सर्विस देंगे रिपेयर की। जबकि वाई कंपनी डिफरेंशिएट कर रही है प्रोडक्ट के बेस पे, वो कह रही है कि हमारे प्रोडक्ट में जो एक पार्ट है वो वैसा पार्ट है जो बाकी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए वो डिफर कर रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं अपना। तो नेक्स्ट है थिंकिंग एंड डूइंग इज क्लियरली डीमार्केटेड इन। अब थिंकिंग एंड डूइंग क्लियरली डीमार्केटेड होता है किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में या मैट्रिक्स में या लाइन में या लाइन एंड स्टाफ। इसका सही जवाब है लाइन एंड स्टाफ में। उसका कारण ये है कि जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, दरअसल ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, मॉडिफाइड सुधार किया गया रूप होता है। इसमें होता क्या है कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में तो डूइंग यानी कि जो काम होता है, जो फंक्शनल हेड्स होते हैं वो काम करते हैं। थिंकिंग का काम इसी संस्था में सौंप दिया जाता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट होते हैं जो राय मशवरा देने का काम करते हैं, केवल सलाह देते हैं, सलाहकारी काम करते हैं। जबकि लाइन में जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं, वो डूइंग का काम करते हैं। तो इसलिए ये क्लियरली डिमार्केट होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है डैश इज सैड टू हैव अकर्ड व्हेन इम्पोर्ट्स आर बीइंग सोल्ड एट एन अनफेयर प्राइस। तो एक टर्म वो कौन सी है, यहाँ पे दिया हुआ है डंपिंग है। डंपिंग का मतलब होता है कि जब इम्पोर्ट्स को सेल किया जाए किसी मार्केट में अनफेयर प्राइस पे, यानी कि इसमें होता क्या है कि जैसे इंडिया में चाइना से सामान ला करके और वो अनफेयर का मतलब यहाँ पे कम से है कि वो बहुत कम पैसे में अगर बेचा जाए, कम मतलब इस कंपैरिजन में हो कि चाइना में जो कॉस्ट है उस सामान की उससे भी कम में यहाँ इंडिया में अगर सामान को बेचा जा रहा है चाइना से ला करके या अन्य किसी भी देश से, तो उसके लिए यूज की जाती है डंपिंग टर्म। बाकी जो ये होते हैं इनके बारे में भी बताते हैं, जैसे प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग होता है कीमत का तय करना, सिंपल बात है। प्रीडेटरी प्राइसिंग, अब प्रीडेटरी प्राइसिंग भी डंपिंग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन से ही सामान मंगाया जाए। प्रीडेटरी प्राइसिंग कोई भी कंपनी हो सकती है, बहुत बड़े साइज की कंपनी होती हैं खासतौर पर जो प्रीडेटरी प्राइसिंग करती हैं। वो क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट की जो उनको कॉस्ट पड़ती है उससे भी काफ़ी कम कीमत पर वो मार्केट में सामान अवेलेबल करा देती हैं, और इससे होता ये है कि जो बाकी कंपनी होती हैं छोटी वो उतने कम पे सामान बेच नहीं पाती हैं और वो मार्केट में ज़्यादा दिन ठहरती नहीं है। धीरे धीरे वो कंपनियां गायब हो जाती हैं और जो बड़ी कंपनी है वो पूरे मार्केट पे कब्जा कर लेती है और बाद में वो बढ़े हुए रेट पे सामान बेचने लग जाती है जब छोटे मोटे जो कंपनीज होती हैं वो बंद हो जाती हैं। मतलब इसका इंटेंशन ही गलत रहता है शुरू से। प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग जो होता है ये इलीगल होता है, और डंपिंग के लिए सरकार प्रावधान बनाती है, उसको कम करने के लिए कानून बनाती है अलग अलग से रोकने के लिए, लेकिन डायरेक्टली डंपिंग के लिए कोई इलीगल इसको सीधे सीधे कहीं पर नहीं कहा जाता है। अब प्रीडेटरी डंपिंग एक होती है टर्म, प्रीडेटरी डंपिंग होती है जब इन दोनों की क्वालिटी मिल जाए, मतलब विदेश से सामान मंगाया जाए इस इंटेंशन से कि छोटी कंपनियों को उनके बिजनेस को डिमिनिश कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए और बाद में महंगे रेट पे बेचा जाए, तो ये प्रीडेटरी डंपिंग होती है। इसके बाद है ग्रे मार्केटिंग। ग्रे मार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी ब्रांडेड आइटम को, जो एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो, उसको जो ब्रांडेड आइटम है जो कंपनी है उसके जो ऑथराइज्ड चैनल है उनके अलावा कहीं अन्य जगह से जब बेचा जाता है तो उसको ग्रे मार्केट कहते हैं। ग्रे मार्केट में होता क्या है, दरअसल ये जैसे मान लो किसी देश में एक कंपनी अपना ब्रांडेड शोरूम खोलती है, ब्रांडेड शोरूम में वो जो कंपनी के रेट्स हैं फिक्स्ड उन पे सामान बिकता है। अब उसी कंपनी का मान लो दूसरे देश में किसी कारण से सामान सस्ता बिकता है, टैक्स वगैरह का, कई चीज़ों का, ड्यूटीज़ का अंतर रहता है, तो हमारे यहाँ का कोई बिजनेसमैन दूसरे जगह से उस सामान को सस्ते में ले आता है और वह बिजनेसमैन ऑथराइज्ड लाइसेंस नहीं लेता उस कंपनी से सामान बेचने के लिए, उसका जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता है, लेकिन दूसरी जगह से सामान ला करके और सस्ते रेट में बेचने लग जाता है, तो इसको ग्रे मार्केटिंग कहते हैं। ग्रे मार्केटिंग के खिलाफ जो कंपनीज हैं वो आवाज़ उठाती हैं
और ये इलीगल नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको इलीगल किया गया है कुछ देशों में। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या होता है। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। नेक्स्ट देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज, तो इनका डिफरेंस क्या है। देखिए नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी ग्रॉस है। नेशनल और डोमेस्टिक में अंतर ये है कि जीडीपी में हम एक देश के अंदर एक वर्ष में जितना उत्पादन होता है या कहें जितनी इनकम होती है उसको जीडीपी कहते हैं, लेकिन जब हम इसमें जो विदेशों से शुद्ध साधन आय होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर उसको हम ऐड कर दें डोमेस्टिक में तो वो नेशनल बन जाता है। तो इसलिए इनका जो डिफरेंस है वो होता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोला जाता है। नेक्स्ट है एन एचआर मैनेजर एक्ट्स इन, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है मानव संसाधन प्रबंधक वो काम करता है किस तरीके से, वो एडवाइजरी रोल में उसका काम होता है परामर्श देना। जितने भी फंक्शनल हेड होते हैं बाकी चाहे मार्केटिंग है चाहे प्रोडक्शन है उन सब के ये लिए ये एक एडवाइजरी रोल में काम करता है। नेक्स्ट है व्हाई एनी मनी शुड बी स्पेंट एट ऑल बाई ए मैनेजर, दिस नैरेटिव इज क्वेश्चन इन द, मतलब ये एक नैरेटिव है और इसको क्वेश्चन किया जाता है किस सिचुएशन में किस सेंस में कि व्हाई एनी मनी, क्यों कोई भी पैसा एक मैनेजर के द्वारा स्पेंड किया जाएगा, मतलब कोई भी पैसा अगर खर्च किया जाएगा मैनेजर तो उसको क्यों खर्च करेगा, उसके पीछे एक लॉजिक मांगा जाता है हर पैसे के पीछे। तो इसका जवाब है जीरो बेस बजटिंग। दरअसल जीरो बेस बजटिंग बजटिंग का एक टाइप है जिसमें एकदम नए सिरे से बजट बनाया जाता है, उसके नए अनुमान लगाए जाते हैं, हर एक्टिविटी को ये माना जाता है कि जो पिछला तजुर्बा है उसको भूला जाता है और नए सिरे से उसके मापदंड बनाए जाते हैं। इसमें हर काम के लिए तय किया जाता है कि इसके लिए इतना खर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पिछले अनुभव को इसमें जीरो मान लिया जाता है इसलिए इसको कहते हैं जीरो बेस बजटिंग। बाकी जो टर्म है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किसी कंपनी के अंकेक्षण से रिलेटेड है, उसके इंटरनल यानी कि जब अपने एम्प्लॉयज के माध्यम से वो ऑडिट कराते हैं। नेटवर्क एनालिसिस, कोई कंपनी अपने नेटवर्क को एनालाइज करती है। और CPM एक मेथड है, क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट है ये नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो या तो इनकम होते हैं या एक्सपेंस होते हैं, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाई पायनियर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लेकर जो मार्केट में आते हैं अग्रदूत बनकर, यानी कि जब जो कंपनी सबसे पहली बार नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो कौन सा एडवांटेज ऐसा है जो उनके द्वारा एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है, कौन सा बेनिफिट उनको नहीं मिलता है ये बताना है। तो इसमें जो बेनिफिट नहीं मिलता है वो है पायनियर समटाइम लॉन्च प्रोडक्ट बिफोर द कंज्यूमर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, कभी कभी जो पायनियर्स हैं वो प्रोडक्ट को पहले ही लॉन्च कर देते हैं उससे कि जब प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार होते हैं, मतलब लोग अभी तैयार नहीं खरीदने को उससे पहले ही लॉन्च कर दिया, तो ये कोई बेनिफिट की बात नहीं है। बाकी जो टर्म्स हैं ये सारे बेनिफिट की बात है। जैसे पायनियर्स एडवांटेज लेते हैं कस्टमर इनर्सिया का, कस्टमर इनर्सिया मतलब कस्टमर्स में एक भावना होती है इस तरीके की कि कस्टमर कंटिन्यू करते हैं परचेज पायनियर प्रोडक्ट को, यानी कि जिसने सबसे पहले बनाया उसी को लोग खरीदते रहते हैं, लोगों की रुचि हो जाती है। नेक्स्ट है पायनियर्स जो होते हैं यानी कि जो सबसे पहले सामान लेके आ जाते हैं उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, यानी कि बड़े पैमाने की बचत मिलती है बहुत जल्दी ही, क्योंकि जल्दी उनके लोग फॉलोअर मतलब जल्दी ही उनका सामान बिकने लग जाता है, और जो बाकी उनके फॉलोअर्स आते हैं मतलब बाद में जो लोग मार्केट में सामान लाते हैं उनका उतने बड़े पैमाने पे मार्केट पे कवर नहीं बनता है। नेक्स्ट है पायनियर्स आर एबल टू क्रिएट हाई ब्रांड रिकॉल, पायनियर्स क्योंकि सबसे पहले मार्केट में आ जाते हैं उन्हीं के सामान को लोग जानते हैं, धीरे धीरे उस सामान को उसी कंपनी से लोग जोड़ कर देखने लग जाते हैं और इसलिए हाई ब्रांड रिकॉल बन जाता है मार्केट। नेक्स्ट है इन इंडिया
द कंपनी दैट एक्चुअली डील्स विद द कॉर्पस ऑफ द म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड। भारत में ऐसी कंपनी जो वाकई में कॉर्पस, कॉर्पस कहते हैं फंड को, पैसे को, वाकई में उसको डील करती है किसी म्यूचुअल फंड के तहत, किसी म्यूचुअल फंड के अंडर, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दरअसल होता क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड हाउस या फंड मैनेजर होता है जो लोगों से उनकी बचत को इकट्ठा करता है, फंड को इकट्ठा करता है। तो म्यूचुअल फंड का काम होता है लोगों की बचतों को इकट्ठा करना। म्यूचुअल फंड अब ढूंढता है कोई प्रोफेशनल संस्था जो इस फंड को, जो कि म्यूचुअल फंड हाउस ने इकट्ठा कर लिया है, इसको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रॉफिटेबल तरीके से इन्वेस्ट कर सके और उसकी देखभाल करे। तो उसके लिए जिसको नियुक्त किया जाता है उसको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एक म्यूचुअल फंड हाउस एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को नियुक्त करता है अपने फंड को इन्वेस्ट करने के लिए। ट्रस्टी कंपनी जो होती है, ट्रस्टी कंपनी कोई भी कंपनी होगी जो दूसरे की संपत्तियों की देखभाल करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी भी एक ट्रस्टी कंपनी ही होती है क्योंकि ये लोगों के पैसे की देखभाल करती है। स्पॉन्सर कंपनी होती है जो किसी प्रोग्राम को पैसा खर्च करके स्पॉन्सर कराती है अपनी तरफ से, अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए, इमेज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। तो जो फॉल्स है वो यहाँ पे दिया ही है, प्रोविजन शुड ऑलवेज बी क्लासीफाइड इज करंट लाइबिलिटीज। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, जो प्रोविजन्स हैं वो करंट लाइबिलिटी भी होते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी भी होते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाते हैं उस केस में जब ऐसे प्रोविजन्स का जो पीरियड है वो एक साल से लंबा होगा तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाते हैं, और अगर प्रोविजन किए जाते हैं एक साल से कम अवधि के लिए तो वो करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। और बाकी जो है स्टेटमेंट ये सही है, इनको एक दफा पढ़ लिया जाए। द इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर। तो सही बात है, जब किसी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट्स कंपनी के पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। और मान लो कंपनी के पास कैश की कमी है, कंपनी ने कैश नई ब्रांच खोलने में, नई एसेट खरीदने में यूज कर लिया है, तो कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शेयर होल्डर्स के बीच में। ऐसे केस में कंपनी अपने रिजर्व्स को, यानी कि जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं, उनको बोनस शेयर के माध्यम से शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का ही। नेक्स्ट है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये सही बात है, इक्विटी शेयर्स का जब बाईबैक कोई कंपनी करती है तो उसके लिए वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाती है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनीज कैपिटल प्रॉफिट। ये भी बात सही है, कैपिटल प्रॉफिट उन प्रॉफिट्स को कहते हैं जो बिजनेस के रूटीन बिजनेस से हट के होते हैं। तो जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, बनी नहीं है, उससे पहले अगर किसी एक्टिविटी से कंपनी को कोई प्रॉफिट आ जाता है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम्स, रेलिवेंस रेफर्स टू। अब इसमें कहा गया है कि इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम की रिक्वायरमेंट से संबंधित, रेलिवेंस एक टर्म है, उसका मतलब क्या है? अब सबसे पहले समझे, इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम होते क्या हैं। अप्रेजल होता है एम्प्लॉइज का उनके काम की जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए। इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम वह होता है जिसमें एक व्यक्ति के कार्य को अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है, उस व्यक्ति को भी पता चलता है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में और संस्था को भी पता चलता है। तो ऐसा प्रभावी सिस्टम में जो रेलिवेंस टर्म है उसका मतलब होता है कि क्लियर लिंक्स बिटवीन द क्रिटिकल जॉब एलिमेंट। अब इसका मतलब है कि जो महत्वपूर्ण जॉब के जो महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं उनके क्लियर लिंक बनाए जाते हैं। जब क्लियर लिंक होते हैं तो पता रहता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब को किस तरीके से पूरा करना है, और उसमें कमी आती है तो उसका डायरेक्ट हमें पता चल जाता है सीधे तरीके से, मतलब टू द पॉइंट, इधर उधर नहीं। क्लियर लिंक का मतलब हो गया सीधे लिंक, इधर उधर नहीं। और इधर उधर नहीं होना, जब क्लियर रहेगा तो टू द पॉइंट रहेगा, और टू द पॉइंट रहेगा तो जो अप्रेजल सिस्टम है वो रेलिवेंट रहेगा। इसके अलावा जो है, इनके सबके अलग अलग मीनिंग है। कंसिस्टेंसी ऑफ जजमेंट, यानी कि जजमेंट में कंसिस्टेंसी रहना, एक तरीके के मापदंड लागू करना। ईज ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने में सहायक, समझने में आसान रहना। यूज ऑफ
अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट, अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना, एक इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम के ये सब फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स उसी के हैं। ट्रांसलेशन ऑफ जॉब रिक्वायर्स इनटू लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, यानी कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें एक लेवल तय करना कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल होंगी और कौन सी हैं जो अनएक्सेप्टेबल होंगी। नेक्स्ट है द कम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड बाई टू काउंटर पार्टीज विद अपोजिट बट मैचिंग नीड्स इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कहा गया है कि वह कम्बिनेशन किसी फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, तो अभी इसमें डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के बारे में भी, फॉरवर्ड के बारे में भी। यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं पूछा क्या है। इसमें पूछा गया है कि किसी एक फॉरवर्ड के केस में वह कम्बिनेशन जिसमें दो काउंटर पार्टी, काउंटर पार्टी यानी कि दो विरोधी पार्टी होती हैं पूरी तरीके से, यानी कि एक दूसरे के पूरा काउंटर करती हैं, जो एग्रीमेंट इसका है वही एग्रीमेंट बदले में उसका भी रहता है, विद अपोजिट, वो अपोजिट होती है बट मैचिंग नीड्स, लेकिन इनकी नीड जो होती है वो मैच करती है एक दूसरे से, लगभग जैसी नीड ए पार्टी की है वैसी नीड बी पार्टी की भी रहती है। तो ऐसा कम्बिनेशन जिसमें हम कोई फॉरवर्ड तैयार करते हैं इस तरीके से, जहाँ पे जो नीड है वो मैच करती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं, इसकी नीड को ये पूरा कर देगा और इसकी नीड को ये पूरा कर देगा, जब इस प्रकार से एक कम्बिनेशन हो फॉरवर्ड का, तो उसको कहते हैं स्वैप। स्वैप को हिंदी में कहते हैं अदला बदली, एक्सचेंज कह सकते हैं, एक दूसरे की मदद करने में यूज होता है। स्वैप जनरली यूरोप में या ब्रिटेन में यूज होता है, इंडिया में स्वैप का यूज होता नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर होता है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, या करेंसी में भी यूज किए जाते हैं करेंसी स्वैप, जैसे डॉलर का रेट है या पाउंड का रेट है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो एक दूसरे के रेट से बचने के लिए उनका ये ट्रांसफर कर लेते हैं इंटरेस्ट का। इसके अलावा जो बाकी है फ्यूचर, अब फ्यूचर भी एक तरीके का ये भी एक डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव क्या होते हैं, देखिए डेरिवेटिव एक ऐसी सिक्योरिटी होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसकी कोई कीमत रखते हैं दो बिजनेसमैन, वो दोनों ही बिजनेस करते हैं, दोनों ही इन्वेस्टर होते हैं, वो आपस में कोई डील करते हैं और डील करके वो एक सिक्योरिटी का निर्माण भी करते हैं, और जिस सिक्योरिटी का वो निर्माण करते हैं वो सिक्योरिटी की अपनी कोई वर्थ नहीं होती, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसकी वैल्यू किसी दूसरी सिक्योरिटी पे या दूसरी कमोडिटी पे डिपेंड करती है। जैसे गोल्ड के बारे में कोई सौदा कर लिया जाए, एक्चुअल में वो गोल्ड जरूरी नहीं है गोल्ड खरीदेंगे या गोल्ड बेचेंगे, लेकिन गोल्ड से रिलेटेड एक डेरिवेटिव बना लेते हैं वो लोग, मतलब गोल्ड की कीमत पे तय करके एक फिक्टिटियस एक कमोडिटी का निर्माण करते हैं जिसका वो आपस में लेन देन करते हैं, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी अपनी कोई कीमत नहीं होती है, बल्कि उनकी कीमत किसी दूसरी कमोडिटी पे डिपेंड करती है। अब ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये फॉरवर्ड भी होते हैं और ये फ्यूचर भी हो सकते हैं। फॉरवर्ड डेरिवेटिव वो होते हैं जब दो इन्वेस्टर, यहाँ पे मार्केट शामिल नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से एक डेरिवेटिव बनाते हैं, अपने हिसाब से डेरिवेटिव बनाते हैं, जैसे ए बी को कह सकता है कि भी मुझे एक महीने बाद आप $1,000 दे दोगे और ये जो $1,000 दोगे वो ₹50 के रेट से मैं आपको उसकी पेमेंट करूंगा, मतलब प्री डिटरमाइंड एक प्राइस तय कर दिया, प्री डिटरमाइंड तय कर दिया, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने, दरअसल इस कॉन्ट्रैक्ट को ही डेरिवेटिव कहा जाता है, इन्होंने जो समझौता किया आपस में कि ए ने कहा बी से कि एक महीने बाद मुझे $100 की जरूरत होगी, कितने भी तय कर सकता है, $100 की जरूरत होगी और ₹50 मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, मतलब प्री डिसाइडेड रेट हो गया और प्री डिसाइडेड डेट भी हो गई कि एक महीने बाद वो ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया है, कहीं मार्केट में किसी को नहीं पता है इस एग्रीमेंट के बारे में, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है, तो इसको कहा जाएगा फॉरवर्ड। और इसी तरीके के एग्रीमेंट्स जब रेडीमेड होते हैं और किसी स्टॉक एक्सचेंज पे बना करके बेचे जाते हैं, मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है वो इस टाइप के बहुत सारे एग्रीमेंट बना करके एक सेम लेवल के, सेम अमाउंट के, सेम कंडीशंस के, सेम टर्म्स के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे उनको वो लिस्ट करा लेता है, और जब लिस्ट करा करके वो आम पब्लिक को ऑफर करता है कि जो चाहे वो खरीद सकता है, तो इसको कहते हैं फ्यूचर्स।
अब यही जो फ्यूचर होता है, अब ये फ्यूचर में ही ऑप्शन भी हो सकता है। ऑप्शन होता है कि जब इस फ्यूचर में कोई परचेज कर रहा है, एक ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन को परचेज जो कर रहा है वो एक ऑप्शन ले रहा है, मतलब उसको ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो उसका एक्सरसाइज कर सकता है और वो चाहे तो एक्सरसाइज उसको नहीं कर सकता है, उसकी वो लायबिलिटी नहीं होगी, वो एक ऑप्शन ले रहा है। इस ऑप्शन को लेने के बदले में ये एक फीस देता है ऑप्शन सेलर को, जो सेलर होता है उसको फीस मिल जाती है और वो फीस सेलर के लिए इनकम होती है। बाद में मान लो कि ऑप्शन के बायर को अगर लगे कि उसका बेनिफिट में है, उसको एक्सरसाइज करना ऑप्शन को, जो ऑप्शन उसने लिया था तो वो उसको यूज करेगा, अगर उसको नहीं लग रहा है यूज नहीं करना है तो नहीं करेगा, लेकिन जो उसने फीस दी हुई है उसको सेलर को, ऑप्शन सेलर को, वो ऑप्शन सेलर के पास जा चुकी है, वही एक नुकसान होगा ऑप्शन के बायर का, इससे ज्यादा नुकसान इसमें नहीं होता है, यानी कि जो ऑप्शन बायर होता है उसका नुकसान बहुत ही लिमिटेड होता है। ऑप्शन में भी पुट ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन होता है। पुट ऑप्शन जिसके पास होता है मतलब उसको जब ऑप्शन खरीदता है वो सेल करने के लिए, तो पुट ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन जो होता है वो खरीदने के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का कारण कौन सा नहीं है इनमें से, तो डिफरेंस इन रिलीजन ये कोई कारण नहीं है, बाकी कारण है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक देश दूसरे देश के साथ जो ट्रेड करते हैं उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कारण हो सकते हैं डिफरेंस इन कंजम्पशन एंड डिमांड पैटर्न, अलग अलग देशों के कंजम्पशन और डिमांड के पैटर्न अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से वो डिमांड करते हैं। डिफरेंस इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस, टेक्नोलॉजिकल एडवांस अलग अलग होता है, जिस देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांस ज्यादा है वो सामान बनाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस कम है वो उनसे सामान मंगाएगा खरीदेगा। डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, इस पर भी डिपेंड करता है, किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज खास टाइप के होते हैं, किसी में उनकी कमी होती है, जिसमें कमी होती है वो दूसरी जगह से मंगाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अब इसमें पूछा गया है कौन सा उसका फंक्शन नहीं है, तो उसका फंक्शन नहीं है सेटल बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, WTO का काम ट्रेड से रिलेटेड है, बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। हाँ, इसके जो फंक्शन है ये होते हैं, इनको एक दफे आप पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, टू प्रोवाइड फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज, जो सदस्य देश है उनमें ट्रेड से रिलेटेड नेगोशिएशन वार्ता कराने के लिए फोरम प्रोवाइड कराता है, टू हैंडल ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड डिस्प्यूट जब हो जाते हैं किन्हीं देशों के बीच में तो वो WTO में आकर के शिकायत करते हैं और वहां पे ट्रेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का काम WTO करता है। नेक्स्ट है, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है WTO। नेक्स्ट है, विच आर द एडिशनल थ्री एलिमेंट्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स, सर्विस मार्केटिंग मिक्स के तीन एडिशनल एलिमेंट्स कौन से हैं। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स में हम फोर पीस पढ़ते हैं, जो फोर पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, उसमें फोर पीस में शामिल होता है प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार एलिमेंट्स तो एज इट इज हैं। इसके अलावा जब सर्विस की जो मार्केटिंग होती है, सर्विसेज की, सेवाओं की, उनके केस में तीन और हो जाते हैं और मिलकर के सेवन पीस कहलाते हैं। अब उन सेवन पीस में चार पीस के अलावा थ्री पीस और जुड़ जाते हैं और वो थ्री पीस हैं पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। नेक्स्ट है, इफ द रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इंक्रीजेज, अब रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि दूसरे देशों के तुलनात्मक आधार पे, मतलब दूसरे देशों से जब तुलना करेंगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है दूसरे देशों की तुलना में, मतलब दूसरे देशों में इन्फ्लेशन कम है और हमारे यहाँ बढ़ जाए तो दूसरों की तुलना में हमारे यहाँ बढ़ा हुआ कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस केस में, उस केस में इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर्स इन इंडिया, भारत में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द US, और US से डॉलर की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा पूरी तरह संभव है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का मतलब है
सामान की कीमतें ज्यादा हो जाती हैं, लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है रुपए की। जब रुपए की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो नेचुरली लोग बाहर से सामान मंगाएंगे, और बाहर से सामान मंगाएंगे तो वो डॉलर की डिमांड करेंगे, इससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो कंपैरेटिवली डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऑन चेकिंग द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑन द क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट। क्रेडिटर लेजर अकाउंट में, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट कहिए सीधा, जब क्रेडिटर अकाउंट्स के बैलेंस चेक किए तो इट वाज फाउंड, ये पाया गया कि टोटल रुपीज 2250, कुल 2250 रुपये, मोर देन द बैलेंस ऑन द क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर में जो क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट है उससे 2250 रुपये ज़्यादा लिखा हुआ। कुल मिलाकर के इस सेंटेंस को ऐसे समझें कि क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट के 2250 रुपये बेवजह बढ़े हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कुड पे बाई इट्सेल्फ अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी एरर है जो इसका कारण हो सकती है, जिसकी वजह से ये क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं 2250 के, वो कौन सी एरर हो सकती है। तो एरर कही गई है कि क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट विद डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1125 हैज बीन ट्रीटेड एज ए क्रेडिट बैलेंस, मतलब कह रहे हैं कि हुआ ये है कि क्रेडिटर लेजर अकाउंट में किसी का 1125 रुपये का एक डेबिट बैलेंस था, मतलब वो क्रेडिटर रहा नहीं था, उसका डेबिट बैलेंस हो गया था 1125, लेकिन गलती से उसको हमने ट्रीट कर लिया 1125, हमने ठीक ठीक माना क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस तो क्रेडिट रहता है, जबकि वो एक्चुअल में डेबिट हो गया था। अब उस डेबिट बैलेंस को हमने क्रेडिट मान लिया, तो गलती क्या हो गई कि एक तो जो डेबिट बैलेंस था वो खत्म हो गया, और दूसरा क्रेडिट बैलेंस 1125 से हमने मान लिया वो लिख दिया, कुल मिलाकर के हमने 2250 रुपये का ज़्यादा क्रेडिट कर दिया क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स में ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, मतलब क्रेडिटर्स को ओवर एस्टिमेट कर दिया, ज़्यादा काउंट कर लिया, यही इसका कारण है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, हम लोग जितने भी काम करते हैं उनको कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो होती हैं जिनमें लोगों का पर्पज होता है मनी अर्न करना, पैसा कमाना, याद रखें प्रॉफिट कमाना नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट कमाना होता है बिजनेस एक्टिविटीज का मोटो। अभी हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जहां मोटो होता है पैसा कमाना, मनी अर्न करना, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहां पे हमारा उद्देश्य मनी अर्न करना नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उसी की पहचान करनी है इसमें कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की पहचान करनी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो पेंटिंग फॉर सेल्फ यूज, स्वयं के लिए पेंटिंग करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। बाकी सब है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पार्क अगर मेंटेन करता है तो पैसा खर्च होता है, और उसके लिए वो हो सकता है पैसे वसूल करता हो। रनिंग एन एकेडमिक स्कूल, एकेडमिक स्कूल रन करना, तो पैसा तो फीस तो लेते ही है। पेंटिंग फॉर कॉमर्शियल यूज के लिए पेंटिंग यूज करना, पैसा मिलता है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है, द कॉम्पोनेंट ऑफ ए कैपिटल मार्केट इज, अब कैपिटल मार्केट का कंपोनेंट पूछा है तो इसका ऑप्शन दिया हो स्टॉक मार्केट। दरअसल कैपिटल मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं, एक पहले फाइनेंशियल मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। ये दो टाइप का, दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है इसको, एक होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। ऐसी सिक्योरिटीज जिनका पीरियड एक साल से कम का होता है वो मनी मार्केट में आ जाती हैं, और कैपिटल मार्केट में आती हैं वो सिक्योरिटीज जिनका पीरियड एक साल से ज़्यादा होता है, मोर देन वन ईयर। अब जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट में आ जाता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट होता है जहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू हो चुकी हैं उन सिक्योरिटीज़ की रीसेल होती है, सेल परचेज होती रहती है बाद में, इसको सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, इसी को शेयर मार्केट भी कहते हैं, और इसी को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन है, कैपिटल मार्केट में का कंपोनेंट है एक
स्टॉक मार्केट, बाकी कमर्शियल बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कॉल मनी मार्केट, इन सब का जो पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है, और इसलिए ये तीनों ही कंपोनेंट होते हैं मनी मार्केट के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट है, रिटायरिंग ऑफ ए बिल इज डिफरेंट फ्रॉम डिसऑनर ऑफ ए बिल। बिल का जो रिटायरमेंट होता है वो बिल के डिसऑनर से अलग होता है, तो सही बात है। दरअसल रिटायरिंग ऑफ बिल का मतलब होता है जब बिल की मैच्योरिटी की डेट से पहले, यानी कि बिल की पेमेंट से पहले ही जो पार्टी होती है, जो बिल का ड्रॉई होता है, वो पेई के पास जाता है कि भाई मेरे पास पहले ही पैसा आ गया है, आप टाइम से पहले पैसा ले लो, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो टाइम से पहले जब पेमेंट होती है तो उसको कहते हैं रिटायरिंग ऑफ ए बिल। और डिसऑनर ऑफ ए बिल उल्टा होता है इसका, कि जब जो ड्रॉई होता है, यानी कि जिसको पेमेंट करनी है बिल की, वो पैसा देने से मना कर देता है, तो उसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ ए बिल। तो ये दोनों डिफर करते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, देयर आर ओनली टू पार्टीज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये गलत है। तीन पार्टी हो सकती हैं, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई, एक पेई। इसके अलावा है, इन एकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन, ये भी गलत है। ये जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन के नहीं होता, ये एक दूसरे की हेल्प के लिए होता है एकोमोडेशन बिल। नेक्स्ट है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए होल्डर एंड ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो ये भी गलत है। डिफरेंस होता है होल्डर में और होल्डर इन ड्यू कोर्स में। होल्डर होता है किसी बिल का जो ओरिजिनली जिसको बिल मिलता है, जो उसको हेल्ड करता है, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है कि इसके ये ओरिजिनली बिल इसके पास क्रिएट नहीं हुआ था, होल्डर से इसके पास आया है ट्रांसफर होकर के, तो उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है, इसको गुड फेथ में बिल मिलता है, और मतलब ये एक गुड फेथ में आकर के बिल को ले लेता है, लेकिन जरूरी नहीं, कई दफे ऐसा हो जाता है कि जो होल्डर था वो बिल का एक्चुअल होल्डर नहीं था, और ऐसे केस में अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास बिल आ जाता है तो इसका दोष नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन नेट सेल ऑफ ए फर्म आर ₹2,00,000 and ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल एक फर्म का 2,00,000 and ₹10,000 है रिस्पेक्टिवली। तो ये जो क्वेश्चन है इसी में कोई एरर रह गई है, ये रॉन्ग है इसीलिए, और इसका जो आंसर है वो सही निकलना संभव नहीं है। फिर भी इसकी एक पॉसिबल सिचुएशन जो है वो मैं बताता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,00,000 बताया है इसमें, और नेट सेल 10,000 है। दरअसल ऐसा संभव नहीं है, नेट सेल जो है वो सेल का टोटल रेवेन्यू का पैसा है, उसमें से जब एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो ही प्रॉफिट आएगा। तो 10,000 में से अगर हम 0 भी घटाएंगे तो भी 2,00,000 नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये संभव सिचुएशन नहीं है। संभवतः ये जो 10,000 है ये 10,00,000 रहा होगा, और जब ये 10,00,000 होगा ये सेल, तो सेल 10,00,000 हो जाएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,00,000, और ऐसे केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो निकलेगा वो निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,00,000 अपॉन नेट सेल 10,00,000 और इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, और जब इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 चली जाएगी और ये आ जाएगा 20। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो 20% होगा। अब चूंकि यहाँ पे ये गलत दिया है डेटा, इसलिए इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाएगा उन सब लोगों को जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द सेल्स लेजर ऑफ ए क्लाइंट बाई ए फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द सेल्स लेजर ऑफ ए क्लाइंट बाई ए फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इज कॉल्ड। अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो अपने किसी क्लाइंट के सेल्स लेजर को मैनेज करती है। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द सेल्स लेजर, सेल्स लेजर को मैनेज करने का मतलब है कि जिन लोगों को सेल की हुई है उधार, उनसे पैसा वसूली का काम करती है
ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, तो इसको कहते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक फैक्टर, फैक्टर मतलब कोई फाइनेंशियल सर्विस होती है, एक फैक्टर किसी बिजनेसमैन, जिस बिजनेसमैन ने उधार सामान बेचा हुआ है उसकी उधारियों को अपने कमीशन के बदले में कलेक्ट करने का काम करती है, उसको कहते हैं फैक्टरिंग। इसके अलावा और भी कुछ काम होते हैं लेकिन मेजर काम यही होता है फैक्टरिंग। इसके अलावा ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देती है, फाइनेंशियल क्लाइंट्स के बारे में फाइनेंशियल जानकारी भी प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट को उसके क्लाइंट्स के बारे में। बाकी जो है ये एक्टिविटीज, इसमें लीजिंग, लीजिंग का मतलब होता है कि किसी फिक्स्ड एसेट को लंबे समय के लिए किराए पर देना। फॉरफिटिंग, फॉरफिटिंग एक टर्म यूज की जाती है जो इंटरनेशनल बिजनेस में यूज की जाती है, जब एक एक्सपोर्टर किसी दूसरे देश में इंपोर्टर को सामान बेच देता है, भेज देता है और उससे बिल इसको मिल जाता है, तो इस बिल को ये किसी बैंक को, जिसको फॉरफेटर कहते हैं, फॉरफेटर को जमा करा के, उस बैंक के पास जमा करा के या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जमा करा करके बदले में कैश ले लेता है, मतलब डिस्काउंट करा लेता है अपने इंटरनेशनल बिल्स को, तो इसको फॉरफेटिंग कहते हैं। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट, इसका यूज बैंक्स के द्वारा किया जाता है जब संस्थाएं यानी कि बिजनेस हाउसेज जो होते हैं वो बैंकों से लोन लेते हैं, तो बैंक उनसे मांगता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी के तौर पे किसी शेयर को, डिबेंचर को, बॉन्ड को रखा जाता है, रखा जा सकता है, उसी को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट। मेनली इसका पर्पज होता है कि जो डेट है उसकी सुरक्षा रहे, लोन की सुरक्षा रहे, साथ ही साथ संस्था को, बिजनेसमैन को कैश अवेलेबल हो जाए, वो अपने जो रिसीवेबल्स हैं उनको भी एक सिक्योरिटी के तौर पर डेट के लिए यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, ऑन 1 मई 2009 विवेक ड्रॉज ए बिल ऑन भास्कर फॉर 3 मंथ्स, इट्स ड्यू डेट इज, अब 1 मई 2009 को 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया गया विवेक के द्वारा, तो जब इसमें 1 मई में यानी कि 1 मई में हम 3 मंथ्स जोड़ देंगे, तो मई में 3 मंथ्स जोड़ेंगे, 3 मंथ्स जोड़ेंगे तो जून, मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त, तो 1 अगस्त आ जाएगा, लेकिन 1 अगस्त के बाद इसमें जोड़ेंगे 3 डेज ग्रेस के, किसी भी यूजेंस बिल में 3 डेज ग्रेस के जोड़े जाते हैं, 3 डेज जब जोड़ेंगे ग्रेस के तो यह आ जाएगा 4 अगस्त, इसलिए 4 अगस्त डेट आ जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक समरी होता है सभी रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर की रिलेटिंग टू द करंट ईयर, तो ये सही स्टेटमेंट है, बाकी गलत है उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है, इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, अब यहाँ पे फिर ऑप्शन की बात हो रही है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इफ द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट इज कॉल्ड, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, एक डेरिवेटिव है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी, अब किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन ये है कि उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है केवल मैच्योरिटी के समय पे, तो उसको क्या कहा जाता है, पुट ऑप्शन, डबल ऑप्शन, अमेरिकन या यूरोपियन, तो यूरोपियन ऑप्शन कहा जाता है। देखिए, यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन, दो तरह के ऑप्शंस यूज होते हैं, तो ऐसे ऑप्शन जिनको यूज किया जा सकता है केवल मैच्योरिटी के टाइम पे उनको यूरोपियन ऑप्शन कहते हैं, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन कहते हैं, और ऐसे ऑप्शन जिनका यूज ऑप्शन की डेट से लेकर के जिस दिन उसको ऑप्शन को किया गया था उस दिन से लेकर के मैच्योरिटी की डेट तक कभी भी किया जा सकता है, तो उनको कहते हैं अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। नेक्स्ट है, फ्लैट फाइल डेटाबेसेस आर मोस्ट यूजफुल फॉर, ऐसे डेटाबेस जो फ्लैट फाइल में रखे जाते हैं वो ज्यादा यूजफुल रहते हैं कब, सिंगल यूजर और स्मॉल ग्रुप सिचुएशंस के लिए। सिंगल यूजर मतलब जहां यूजर ज्यादा नहीं है या कोई छोटा ग्रुप है उसके लिए फ्लैट फाइल डेटाबेस ज्यादा यूजफुल रहते हैं, और बाकी जो है लार्ज स्केल डेटाबेस या इंश्योरेंस फर्म या बैंकिंग फर्म, इनके लिए फ्लैट फाइल डेटाबेस लाभदायक नहीं रहेंगे, इनको जो डेटाबेस है उनको रिलेशनल डेटाबेस बनाना होगा। दरअसल ये होते क्या है, डेटाबेस का मतलब हो गया जब बहुत सारे डेटा को हम अपने यहाँ मैनेज करके रखते हैं,
ताकि जरूरत पड़ने पर उसको कभी भी यूज किया जा सके, उससे महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा सके। जब हम केवल फाइल के तौर पे इस तरीके से डेटा को रख देते हैं कि एक 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 फाइल में हमने डेटा रख लिया हमारे कस्टमर्स का, एक फाइल में डेटा रख लिया अपने एसेट्स का, जब बहुत छोटा बिजनेस होता है या सिंगल यूजर होता है तो इस तरह से डेटा को रख सकता है, लेकिन जहाँ पे लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन को एक साथ हमको रखना होता है एनालिटिकल वे में, तो रिलेशनल डेटा की ज़रूरत होती है। रिलेशनल डेटा क्या होता है कि उसको हम रोज और कॉलम्स के माध्यम से, जब टेबल में जो डेटा रहते हैं टेबल्स में शेड्यूल्स में, तो रो और कॉलम के माध्यम से डेटा उसको रखा जाता है और उनके रिलेशन एक दूसरे से मैच करते रहते हैं, इसको रिलेशनल डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स रिमेन सेम अक्रॉस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो यही गलत बात है, क्योंकि जो लाइफ साइकिल होती है किसी प्रोडक्ट की, उसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसकी लाइफ साइकिल के दौरान, यानी कि जब उस प्रोडक्ट की इन्फेंसी की एज रहती है और उसके लास्ट मैच्योरिटी सैचुरेशन की एज तक, उसके प्रॉफिट्स बढ़ते घटते रहते हैं, शुरुआत में कम होते हैं, उसके बाद बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, लास्ट में बहुत कम प्रॉफिट होते चले जाते हैं, तो उन लाइफ साइकिल के हिसाब से प्रॉफिट्स कम ज़्यादा होते हैं, वो सेम नहीं रहते हैं, यही एक स्टेटमेंट गलत था। बाकी एट ईच स्टेज प्रोडक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रेटेजी, सही बात है, हर स्टेज पे अलग अलग फंक्शनल स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रेजेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम्स टू सेलर, सेलर के लिए हर एक जो लाइफ साइकिल आती है, लाइफ साइकिल का हर एक स्टेज जो होता है वो नई अपॉर्चुनिटीज और नई प्रॉब्लम लेके आता है। प्रोडक्ट यूजुअली हैव ए लिमिटेड लाइफ, और हर एक प्रोडक्ट का सामान्यतः एक लिमिटेड लाइफ होता है। नेक्स्ट है द थ्री मैनेजरियल स्किल्स टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल्स वर गिवन बाई, तीन तरह की मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ये दी थी प्रोफेसर कार्स ने। प्रोफेसर कार्स ने इसके बारे में बताया था कि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसकी मैनेजरियल स्किल्स तीन तरह से रहती हैं, और अलग अलग लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह के ये तीनों की ज़रूरत होती है, लेकिन तीनों का जो रिक्वायरमेंट है वो कम ज़्यादा होता है। जैसे जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनके लिए कंसेप्चुअल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ह्यूमन स्किल्स जो होती हैं ये सभी मैनेजर्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है लोअर लेवल के मैनेजर्स के लिए, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी that requires employees engaged in service delivery to be prompt and helpful in their work is called, मतलब कहा गया है कि एक सर्विस क्वालिटी का, यानी कि सेवा क्वालिटी का वो कॉम्पोनेंट, वो अंश, वो हिस्सा जो रिक्वायर करता है, जिसको आवश्यकता होती है एम्प्लॉयज की, कि वो एंगेज हों सर्विस डिलीवरी में, सर्विस को डिलीवर करने में एंगेज हों इस तरीके से कि वो प्रॉम्प्ट हों, तुरंत सर्विस डिलीवर करें, और हेल्पफुल इन दियर वर्क, और अपने वर्क में हेल्पफुल रहें, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि तुरंत रिस्पॉन्स देना। नेक्स्ट बाकी जो होते हैं एश्योरेंस, ये विश्वास से रिलेटेड रहता है, एश्योर करना, सुनिश्चित करना कि भाई सेवा आपको मिलेगी ही। टेंजिबल्स रहते हैं, टेंजिबल गुड्स को कहते हैं, इनटेंजिबल सर्विसेज को कहते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है एक व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति को जब एनालाइज करता है तो उस दूसरे व्यक्ति की सिचुएशन में अपने आप को सपोज करता है कि उसकी सिचुएशन में अगर मैं होता तो, उस हिसाब से एनालाइज करता है, इसको कहते हैं एम्पैथी। नेक्स्ट है कस्टम्स डिफाइंड बाई ग्रुप ओवर टाइम आर नोन एज, कस्टम्स जो कि डिफाइन किए जाते हैं एक ग्रुप में ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ, मतलब समय जैसे बीतता रहता है उसके साथ साथ कुछ कस्टम्स डिफाइन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मोरल्स। अब मॉरल जो होते हैं ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, सोसाइटी में, समाज में बन जाते हैं, मॉरल कहते हैं उन चीज़ों को जो एक समाज के एक अच्छे का प्रतीक होता है कि ऐसा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ये सोसाइटी में क्रिएट होते हैं मॉरल्स। प्रिंसिपल्स जो होते हैं गाइडलाइन होते हैं किसी काम को करने के, और जो एथिक्स होते हैं ये भी मॉरल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन जो एथिक्स होते हैं इनका जन्म होता है किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि किसी वेल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स बनते हैं। जैसे इसके लिए किसी प्रोफेशनल बॉडी का होना जरूरी है जहां पे कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, और एथिक्स भी मॉरल की भांति ही होते हैं, लेकिन यही अंतर होता है ये प्रोफेशनल बॉडीज में होते हैं जबकि ये सोशल और सोसाइटी में होते हैं मॉरल्स। ट्रेडिशन ये परंपरा होती है जो किसी सोसाइटी में लंबे समय से कोई प्रैक्टिस चली आ रही होती है, धीरे धीरे वो ट्रेडिशन का रूप ले लेती है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ए कंसर्न आर रुपीज 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब किसी संस्था का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4 लाख है और उसी संस्था का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो 1 लाख है, तो वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट क्या होगी? तो ये सबको पता होगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब नेट प्रॉफिट में जैसे ही लाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो 4 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा, 3 लाख बच जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस इंक्लूड्स। अब यहाँ पे अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे रिलेशनल डेटाबेस, वो इंक्लूड करता है क्या? ए टेबल विद लार्ज रिकॉर्ड, यानी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें एक टेबल होती है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा में रिलेशन कम जगह में सेट कर सकें, उसको बेटर अंडरस्टैंडेबल बना सकें। तो एक टेबल जो रहती है बड़े रिकॉर्ड्स में उसी को रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं, और जब सीधे सपाट फाइलों में रखा जाता है तो वो फाइल में डाटाबेस रहता है। नेक्स्ट द रेशियो यूज टू असेस द शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी ऑफ ए कंसर्न। एक संस्था के शॉर्ट टर्म डेब्ट यानी कि जो छोटी अवधि के डेट होते हैं करंट लाइबिलिटीज, उनको पे करने की क्षमता को बताता है कौन सा रेशियो। तो इसका सही जवाब है लिक्विड रेशियो। जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो रहता है ये एक टर्नओवर रेशियो यानी कि परफॉर्मेंस रेशियो है कि एक संस्था अपने क्रेडिटर्स को कितने इफेक्टिवली मैनेज करती है, कितने क्विकली उनको पेमेंट करती है। डेट इक्विटी रेशियो बताता है लॉन्ग टर्म सोलवेंसी को बताता है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन की पेइंग कैपेसिटी को बताता है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है ये एक संस्था में प्रोप्राइटर्स के फंड से कितनी फंडिंग है उसके एसेट्स की, इसको दिखाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज। निम्न में से कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज को अफेक्ट नहीं करते हैं? तो इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी रेट, अब लिटरेसी रेट का इम्पैक्ट डायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो को इम्पैक्ट नहीं करता है, जबकि इन्फ्लेशन, सरकार की पॉलिसी और नेशनल इनकम का कम या ज़्यादा होना ये अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। नेक्स्ट विच इज़ द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए एपेक्स बैंक कौन सा है, मतलब उच्च कोटि का बैंक? तो एपेक्स बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये पूरे इंडिया में जो रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जो बैंक काम करते हैं ये उनको रेगुलेट करने का काम करती है नाबार्ड। IDBI ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पहले ये इंडस्ट्रियल एक डेवलपमेंट बैंकिंग का काम करती थी इंडस्ट्रीज के लिए, अभी IDBI एक कॉमर्शियल बैंक है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और SIDBI ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम करती है। नेक्स्ट है ए सोल प्रोप्राइटर डिसाइडेड टू यूज द सेम बैंक अकाउंट फॉर हिज पर्सनल अफेयर्स एज फॉर हिज बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड। एक सोल प्रोप्राइटर से पहले एकल व्यापारी है वो कहता है कि मेरा जो पर्सनल अकाउंट है जो जिसमें घरेलू काम के लिए जिस अकाउंट को यूज करता हूँ उसी को मैं बैंक बिजनेस के लिए भी उसी अकाउंट को यूज करूंगा, तो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इसमें वायोलेशन हो रहा है? इसमें वायोलेशन हो रहा है सेपरेट एंटिटी का। मतलब सेपरेट एंटिटी का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग होता है, मालिक अलग होता है, तो मालिक को अपना अकाउंट अलग रखना चाहिए था और बिजनेस के लिए अलग एक अकाउंट खोलना चाहिए था एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो नहीं खोल रहा है तो वो इसका वायोलेशन कर रहा है। नेक्स्ट बाकी जो होते हैं प्रिंसिपल, जैसे ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि प्रूफ होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन के लिए टू द पॉइंट, और फैक्ट जो है रखने चाहिए ट्रांजैक्शंस के पीछे। मेजरिंग यूनिट जो प्रिंसिपल ये कहता है मेजर करने की एक यूनिट होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न कहता है संस्था एक लंबे समय तक चलती रहेगी। नेक्स्ट है गिवन रियल GDP ऑफ 8.25% इन नॉमिनल GDP ऑफ 11.25% द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी। अगर जो रियल GDP है वो 8.25 है और नॉमिनल GDP 11.25 है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, 3% रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट है इफ द रेवेन्यू वाज 45,000 एंड एक्सपेंसेस वर 37,500 एंड डिविडेंड्स पेड वर ₹10,000 द अमाउंट ऑफ नेट इनकम और नेट लॉस वाज, नेट इनकम या नेट लॉस क्या होगा?
अगर रेवेन्यू 45,000 है और एक्सपेंसेस हुए 37,500, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाएंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाएंगे तो हमारे सामने इनकम आ जाएगी, ये आ जाएगा 7,500। अब ये जो पॉइंट है डिविडेंड, दरअसल ये समझने की बात ये है कि डिविडेंड जो होते हैं वो नेट इनकम में से ही दिए जाते हैं, मतलब पहले नेट इनकम निकलेगी तब उसके बाद डिविडेंड दिए जाएंगे, और डिविडेंड होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किसी संस्था की नेट इनकम आगे दो हिस्सों में बट जाती है, एक हिस्सा उसके पास रह जाता है डिविडेंड के तौर पे, दूसरा हिस्सा उसके पास रिजर्व के तौर पे रह जाता है नेट इनकम का ही। तो नेट इनकम निकालने के लिए हमें डिविडेंड घटाने नहीं पड़ेंगे, उनसे पहले नेट इनकम आ जाती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश एसेट, निम्न में से कौन सा कैश एसेट है। तो जो डिपॉजिट क्रिएटेड आउट ऑफ लोन्स, डिपॉजिट क्रिएटेड आउट ऑफ लोन्स होता है कि अगर कोई पर्सन बैंक से लोन लेता है और वो लोन को पूरे को अभी यूज नहीं करता है तो कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट रह जाता है, वही कैश एसेट कहलाता है। नेक्स्ट है, मार्केट दैट हेल्प्स कमर्शियल बैंक टू मेंटेन देयर SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात रिक्वायरमेंट, वो कहलाता है क्या। ऐसे मार्केट को कहते हैं कॉल मनी मार्केट। दरअसल स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है ये तरलता अनुपात होता है बैंक का। बैंक अपने यहाँ जैसे ही लिक्विडिटी में कमी आती है तो वो तुरंत उसको ओवरनाइट पैसे की जरूरत पड़ती है, और इस जरूरत को बैंक के लिए पूरा करता है कॉल मनी। कॉल मनी जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इस कॉल मनी का जो ट्रांजेक्शन जिस मार्केट में होता है उसी को कहते हैं कॉल मनी मार्केट। बाकी कॉमर्शियल बिल मार्केट, ये कॉमर्शियल बिल मतलब ट्रेड बिल होते हैं, पर जो कमर्शियल बिल ट्रेड बिल को ही कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को ही कहते हैं, एक बिजनेसमैन यूज करता है। डिस्काउंट मार्केट होता है, इसमें बिल डिस्काउंट कराए जाते हैं बैंकों से। एक्सेप्टेंस मार्केट होता है कि एक्सेप्ट जहां बिल को किया जाता है। नेक्स्ट है, रीफैक्टरिंग चार्जेज हैव टू बी पेड इन केस ऑफ, रीफैक्टरिंग के चार्ज किस केस में दिए जाएंगे। तो ऑप्शन है विद रिकोर्स फैक्टरिंग। अब रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है, रिकोर्स फैक्टरिंग दरअसल कोई बिजनेसमैन जब किसी फैक्टर की सेवाएं लेता है तो वो अपने बिल्स को दे देता है उस फैक्टर को कलेक्ट करने के लिए, और बदले में पेमेंट ले लेता है फैक्टर से। फैक्टर से पेमेंट लेने के बाद एक पीरियड होता है उस बिल का, और उस पीरियड के दौरान अगर कलेक्शन नहीं होता है फैक्टर के द्वारा इसका, तो फैक्टर इसको वापस दे देता है इस बिल को बिजनेसमैन को ही। तो बिजनेसमैन को या तो फर्दर पीरियड बढ़वाने के लिए फिर से कुछ फी देनी पड़ती है फैक्टर को कि भी और आप 2 महीने यूज कर लो, 2 महीने तक इसको कलेक्ट करो पैसे को। तो ऐसा करके एक तरह से एडिशनल फीस इसने पे की, इसको कहते हैं रीफैक्टरिंग चार्ज, मतलब फिर से फैक्टरिंग कराया हमने उसी डॉक्यूमेंट को। अब ये जो फुल सर्विस फैक्टरिंग, ये फुल सर्विस फैक्टरिंग का मतलब होता है फुल कवरेज मिल जाती है इसमें, ये हर तरह का कि अगर डूब भी गया पैसा तो फैक्टर से इसको मिल जाएगा फुल सर्विस, पूरी तरह से सिक्योरिटी रहती है। मैच्योरिटी फैक्टरिंग रहती है कि इसमें खाली मैच्योरिटी के टाइम पे अपने बिल्स को दे देता है कलेक्ट करने के लिए कि इनको कलेक्ट करके हमको पैसा दे देना। और इनवॉइस फैक्टरिंग होती है कि अपने जो बिल होते हैं यानी कि इनवॉइस होते हैं उनको बेच दिया जाता है फैक्टर्स को, इसमें भी सुरक्षा मिलती है पूरी। नेक्स्ट है, एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के शुरू में ही एक क्लब के पास 19,000 की एसेट है और 5,000 की लायबिलिटी है, 1,800 रुपये का डेबिट बैलेंस है उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ओपनिंग कैपिटल फंड उसका कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे हम इसके माध्यम से पहले निकाल, अब चूंकि इस क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं और ये कहीं नहीं है कि ये एसेट्स बाद में बढ़े हैं या घटे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि जो एसेट शुरू में थे वही लास्ट में भी रहे, जो लायबिलिटी शुरू में थे वो लास्ट में भी रहे। तो क्लोजिंग के एसेट्स और क्लोजिंग की लायबिलिटीज हमारे पास हैं, तो क्लोजिंग की कैपिटल निकल जाएगी। 19,000 क्लोजिंग के एसेट थे और क्लोजिंग के लायबिलिटी हो गई 5,000, तो क्लोजिंग की कैपिटल निकल आएगी। 19,000 एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल 14,000, मतलब क्लोजिंग में जो कैपिटल है वो 14,000 है, ये लास्ट में बची हुई कैपिटल है, हमें चाहिए शुरू में कितनी थी कैपिटल। अब यहाँ पे जानकारी दी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है 1,800 रुपये का, मतलब इस साल के दौरान फर्म को लॉस हो गया 1,800। 1,800 लॉस होने के बाद ये कैपिटल बची है 14,000, मतलब अगर ये 1,800 लॉस नहीं होता यानी कि इस 1,800 लॉस होने से पहले ओपनिंग में कितनी कैपिटल रही होगी, तो ओपनिंग में रही होगी 15,800।
इस तरीके से ये 15,800 ओपनिंग की कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ दीज। हाँ, यहाँ पे एक खास बात और कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात है, यानी कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में कैपिटल नहीं बोलते, कैपिटल फंड बोलते हैं। उसका कारण ये होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल होती है वो मालिक का पैसा होता है, मालिक को रिफंडेबल होता है बिजनेस को के लिए। लेकिन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो बिजनेस जो एनपीओ को चलाते हैं वो उसके मेंबर कहलाते हैं, मालिक नहीं कहलाते। एक बार डोनेट कर देते हैं तो वो कोई वापस उनको चुकाना नहीं होता है संस्था को, इसलिए इसको कैपिटल ना बोल करके कैपिटल फंड बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ आईएमएफ। निम्न में से कौन सा आईएमएफ का फंक्शन नहीं है, यह बताना है। तो आईएमएफ का फंक्शन नहीं है, इट प्रोवाइड फोरम फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए कोई फोरम नहीं देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये ब्रेटन वुड्स के जो ट्विन इंस्टीट्यूट कहे जाते हैं, एक आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक और दूसरा आईएमएफ, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका काम होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट सिस्टम है उसको देखना होता है, करेंसी का अवेलेबिलिटी को देखना होता है। तो ये इसका नहीं है, बाकी है इसके, ये एक रिजर्वायर की तरह होता है करेंसीज का, सभी मेंबर कंट्रीज की करेंसी को रिजर्व करके रखता है अपने पास। प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म इंटरनेशनल कंसल्टेशन के लिए, और इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी इजीली डुप्लीकेटेड। अगर कोई नया प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको आसानी से कोई डुप्लीकेट बना सकता है उसका, इट इज बेटर अल्टरनेटिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में बेटर अल्टरनेटिव रहेगा प्रोड्यूस करना नए प्रोडक्ट को। वेयर एज व्हेन द प्रोडक्ट इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग, और जब जो प्रोडक्ट है वो बहुत डिस्टिंक्ट है, मतलब जुदा है कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग से, मतलब कोई कॉम्पिटिशन वाले जो हैं कॉम्पिटिटर्स वो दे नहीं सकते ऐसा प्रोडक्ट हमारे जैसा, तो डैश इज द बेटर अल्टरनेटिव। तो दोनों केस में, पहला केस है कि जब आसानी से डुप्लीकेट सामान बनाया जा सकता है हमारे का, उस केस में हम किस तरीके का पॉलिसी यूज करेंगे मार्केटिंग में, और दूसरा प्रोडक्ट है कि जिसका जिसका नकल करना बहुत मुश्किल काम है और हमारा प्रोडक्ट बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइप का है, तो उस केस में कौन से टाइप की पॉलिसी यूजफुल रहेगी। तो पेनेट्रेशन बेनिफिशियल रहेगी जब हमारे प्रोडक्ट की नकल आसानी से हो सकती है, तो कम कीमत पे सामान बेचेंगे। पेनेट्रेशन का मतलब होता है शुरू में कम कीमत रख के मार्केट पे अपना शेयर बढ़ा लेना, और स्कीमिंग इसका उल्टा होता है। स्कीमिंग क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि दूसरी संस्थाएं ऐसा नहीं बना सकती हैं, तो ऐसे केस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेना चाहिए शुरू के वर्षों में, इसको स्कीमिंग कहते हैं। यानी कि जब बाकी कोई प्लेयर नहीं था मार्केट में तो हमें अपने सामान के ज़्यादा रेट रखते हुए स्कीम किया मार्केट को, मलाई उतारी मार्केट की। तो नेक्स्ट है सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड शुड बी, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड में क्या होंगी। तो इसका जवाब है एडिड टू सैलरीज एंड शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये भी सही है, लेकिन साथ ही साथ इस क्वेश्चन में शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ये भी सही है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो एट द एंड में लायबिलिटी शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस केस में दोनों का मिलना चाहिए बेनिफिट। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू चेंजेज इन ए पर्टिकुलर आइटम एट वन प्लेस। वह प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर किया जाता है ट्रांजेक्शंस को, उन ट्रांजेक्शंस को जो रिलेटेड होती हैं चेंजेज से एक पर्टिकुलर आइटम का वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम चेंज करके ले जाते हैं, तो इसको कहते हैं पोस्टिंग। यानी कि जब जर्नल से ले जाते हैं लेजर में तो उसको कहते हैं पोस्टिंग। बैलेंसिंग कहते हैं किसी लेजर का बैलेंस फाइंड आउट करना, कास्टिंग कहते हैं उसकी साइड्स का टोटल करना, जर्नलाइज करते हैं कहते हैं जर्नल में एंट्री करना। व्हेन ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, जब सारे डिबेंचर रिडीम्ड कर दिए जाएं, द बैलेंस इन द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, उसको जर्नल रिजर्व में। उसका कारण ये होता है कि जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है ये बनाया ही जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट से, अब जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं उनसे जनरल रिजर्व बनते हैं, इसलिए बाद में जब डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं तो जो बैलेंस बचता है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व में।
नेक्स्ट है पर्सनालिटी डायनामिक्स इज प्रेजेंटेड बाई, तो पर्सनालिटी डायनामिक्स एक थ्योरी है, इसको प्रेजेंट किया इंटरपर्सनल अप्रोच के तहत। पर्सनालिटी डायनामिक्स का मतलब होता है कि लोगों की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होना, ट्रीट्स में डेवलपमेंट होना, और ऐसा होता है इंटरपर्सनल अप्रोच इसमें मदद करती है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो ए बैलेंस ऑफ, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस दिखता है या तो सरप्लस दिखता है या डेफिसिट दिखता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं वह संस्थाएं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं। नेक्स्ट है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है ट्रेड क्रेडिटर्स का वो ऑब्टेन कर सकते हैं हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट से। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट से हम बाकी इन्फॉर्मेशन को अगर रखेंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में तो उससे क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड ने परचेज किए एसेट्स 28,80,000 के, इसने इशू किए डिवेंचर 100 ईच के एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% डिस्काउंट, यानी कि 100 में से 4 रुपये डिस्काउंट दिया तो 96 के रेट से इशू किए डिवेंचर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, और परचेज कंसिडरेशन को फुल्ली सेटिस्फाई से किया तो नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड टू वेंडर ऑफ एसेट इज, नंबर ऑफ डिवेंचर निकल आएगा 28,80,000 डिवाइडेड बाई 96, क्योंकि हम 100 में से 4 घटा करके 96 रुपये का एक डिवेंचर दे रहे हैं तो टोटल इतनी पेमेंट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 96 से, जितने आएंगे उतने डिवेंचर हमको देने पड़ेंगे और इसका सही जवाब आ जाएगा 30,000, 30,000 डिवेंचर देने होंगे। नेक्स्ट है मैनेजरियल ग्रिड स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय, अब लीडरशिप की एक थ्योरी है मैनेजरियल ग्रिड, इसको किसने प्रोपाउंड किया, तो इसके प्रोपाउंडर हैं रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन मॉर्टन। नेक्स्ट है एक्स इज ए मार्केटेबल रिसीप्ट इन बियरर और रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ फंड्स डिपॉजिटेड इन बैंक्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्स एक मार्केटेबल रिसिप्ट है और इस रिसिप्ट की खूबी होती है कि बीआरआर होती है या रजिस्टर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, फंड्स के रूप में जिसको डिपॉजिट किया जाता है बैंक्स के पास, विभिन्न बैंकों के पास, एक निश्चित अवधि के लिए और एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट में। इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल, शॉर्ट टर्म, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग, मैच्योरिटी डेटेड एंड हाईली लिक्विड, और रिस्क क्लासेस में रिस्क नहीं रहती। रिस्क इसलिए नहीं रहती क्योंकि पैसा बैंक्स पर जमा रहता है। तो आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है जिसके माध्यम से लोग बैंकों में पैसा जमा कर सकते हैं, ये एफडी की तरह ही होता है। अंतर ये रहता है कि जो एफडी रहते हैं फिक्स डिपॉजिट, उनको बेचा खरीदा नहीं जा सकता, जिसने एफडी किया है वही उसके पैसे को बाद में यूज भी कर सकता है, जबकि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं, इनको बेचा खरीदा जा सकता है। ट्रेजरी बिल जो होते हैं ये भारत सरकार जब लोगों से उधार लेती है तो आरबीआई सरकार की तरफ से आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करता है, लोग पैसा जमा कर सकते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल ये कैश मैनेज करने के लिए होते हैं, और कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं ये एक काफ़ी अच्छी इमेज या गुडविल वाली जो प्राइवेट कंपनी होती है वो इशू करती है शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए। नेक्स्ट है वन पॉपुलर टूल फॉर कैरेक्टराइजिंग पीपल दैट एड्रेसेस देयर कॉग्निटिव स्टाइल इज, अब एक खास पॉपुलर टूल है लोगों को करेक्टराइज करने के लिए जो एड्रेस करते हैं उनके कॉग्निटिव स्टाइल्स को, उसको बताना है वो जो टूल है वो कौन सा है, तो वो है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ये मायर्स और ब्रिग्स ये फादर डॉटर थे, इन्होंने मिलकर के एक टेस्ट बनाया और उस टेस्ट का मकसद था कि जो लोग हैं वो कुछ क्वेश्चन अपने आप से स्वयं से करेंगे और इंटर मतलब वो स्वयं को ही परखने की कोशिश करते हैं, परफॉर्म कर स्वयं एक क्वेश्चनियर के माध्यम से स्वयं को ही जांचते और परखते हैं। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड बोर्ड, अब इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सपेंशन होगा बूस्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जब इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि एक देश की घरेलू जो इकोनॉमी है जब उसमें बूस्ट आएगा तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक्सपेंशन आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आइटम इनमें से कौन सा नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक देश से दूसरे देश में
फंड्स का आना और जाना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है। तो वर्किंग कैपिटल भी नहीं का पार्ट हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये इसका कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज आर यूज्ड बाय। अब ये थ्योरीज है मैनेजमेंट की, इनमें से कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग प्लान करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है पार्ट में। पार्ट जो है एक टेक्निक है, पार्ट को यूज किया जाता है काम को टाइमली समाप्त करने के लिए। सीपीएम क्रिटिकल पार्ट मेथड ये भी एक टेक्निक होती है, इसका यूज किया जाता है सीपीएम का कॉस्ट कम करने के लिए और समय से काम पूरा करने के लिए। ट्रांजैक्शन एनालिसिस ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक थ्योरी है, जिसमें इसमें एक पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाया जा सके। और जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग बजटिंग का एक तकनीक तरीका है, इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पिछला जो अनुभव होता है उसको जीरो मान लिया जाता है, नए सिरे से सब जो लॉजिक्स हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर मेनली यूज्ड फॉर। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स खास तौर पे यूज किए जाते हैं किसके लिए, तो डेरिवेटिव्स के बारे में पहले हम जान चुके हैं, इसी में पहले डिस्कस किए था। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो होते हैं उनका यूज किस काम के लिए होता है मेनली, तो उनका यूज होता है हेजिंग रिस्क, जोखिम से बचाव के लिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है। मतलब पहले ही हम एक अनुबंध कर लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक एग्रीमेंट होता है, एक अनुबंध होता है, जिसके तहत हम विभिन्न टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में रिस्क से बच जाए, तो ये इसका यूज है। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज दैट आर विड्रॉएबल एट शॉर्ट नोटिस। यानी कि वह क्या है जिसका मत जिसको रेफर जो रेफर करता है उन इन्वेस्टमेंट को विदेशों में जिनको विड्रॉ किया जाता है शॉर्ट नोटिस पे, हम विड्रॉ कर सकते हैं ऐसा इन्वेस्टमेंट विदेश में जिसको हम शॉर्ट नोटिस पे ही वापस ले सकें। जैसे कि इन्वेस्टमेंट करें फॉरेन स्टॉक में या बॉन्ड में, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी निवेशक होते हैं वो खास तौर पर दो तरीके से निवेश लाते हैं, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इसका मतलब होता है कि दूसरे देशों के जो इन्वेस्टर हैं वो हमारे देश की कंपनियों के शेयर खरीद लें और इस तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दें अपना पैसा, तो वो पोर्टफोलियो के माध्यम से माना जाएगा। और जब दूसरे देश के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे देश में आकर के सीधे एसेट परचेज करें, फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज करें, मशीन परचेज करें या दूसरी एसेट्स फिक्स्ड एसेट को परचेज करें, तो उसको कहा जाता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी चलती हुई कंपनी को सीधे खरीद लें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका कंटेंजेंसी मैनेजमेंट एडवोकेट। जो कंटेंजेंसी मैनेजमेंट है प्रत्याशा एडवोकेट करती है क्या कि डिफरेंट टास्क फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। दरअसल कंटेंजेंसी अप्रोच है जो मैनेजमेंट की, वो यही कहती है कि कंटेंजेंट है सब कुछ, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पर, जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो डिफरेंट टास्क बताता है ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके के टास्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए काफ़ी सारे कॉमर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो नवोदय के एग्जाम में आए थे 11 जून 2019 को। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अभी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर कोई महत्वपूर्ण आप एग्जाम देने जाते हैं जिसमें कॉमर्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आप उन एमसीक्यूज को मेरे पास मेल के माध्यम से भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, आप उस पर सेंड कर सकते हैं और उसको मैं एनालाइज कर दूंगा। अभी भी लाइन में पाइपलाइन में कुछ पेपर्स मेरे पास आए हुए हैं, जैसे DSSB का आया हुआ है, उसको मैं 2 या 3 दिन में तैयार करके जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब समय मिलेगा तो मैं उसको भी अपलोड करूंगा फुल्ली एनालाइज करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।